नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। नमस्कार, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइन्थ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस के एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए चार क्वेश्चन सभी दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेंसिटी, सेकंड क्वेश्चन है नेम द पार्टिकल्स व्हिच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम, थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, फोर्थ है मेंशन टू यूजेज ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि रैंसिडिटी क्या है। तो रैंसिडिटी वो होती है जब हमारा खाना जो होता है उसका टेस्ट या स्मेल जो है वो खराब हो जाता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के चलते। करेक्ट वर्ड्स में आपको लिख मिल जाएगा आंसर, द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड गेट्स स्पॉइल्ड इज कॉल्ड रैंसिडिटी, इट हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सेकेंड क्वेश्चन, एटम का मास जो होता है वो एटम के कौन से पार्टिकल डिटरमाइन करते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि एटम का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करते हैं। एटम से रिलेटेड वीडियोज जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, ये आप सभी जानते हैं। मैंने अपनी पहली की वीडियोज में भी आपको ये बातें बताई थी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है कि आइसोटोप्स के दो यूजेज क्या हैं मेडिसिन के फील्ड में। तो पहला यूज है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज में हम लोग आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। दूसरा यूज कि ज्वाइटर जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसके इलाज में हम लोग आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो चलिए आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव ऑन विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स, पहली प्रॉपर्टी लाउडनेस और दूसरी प्रॉपर्टी है पिच। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे और पिच जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमें वो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जिसपे साउंड का लाउडनेस डिपेंड करता है और साउंड का पिच डिपेंड करता है। तो हमारा जो लाउडनेस होता है साउंड का, अलग अलग लोगों की आवाज की जो लाउडनेस होते हैं वो उनके आवाज की एम्पलीट्यूड, साउंड की जो एम्पलीट्यूड होती है उस पर डिपेंड करती है, और जो पिच होता है वो डिपेंड करता है उनकी फ्रिक्वेंसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं वैसे एनिमल के बारे में जो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डाटा से। डाइवर्सिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, हमें दो एनिमल्स के नाम बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डाटा के। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल जो कि फाइलम कॉर्डाटा के बिलोंग करते हैं वो है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव बॉडी कैविटी। ये जो एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी कैविटी होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दे एग्जिबिट नोटोकॉर्ड, अ फ्लेक्सिबल रॉड बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड सम स्टेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये नोटोकॉर्ड को एग्जिबिट करते हैं, एक फ्लेक्सिबल रॉड बिटवीन अ नर्व कॉर्ड, उनका जो नर्व कॉर्ड होता है वहाँ और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में पाया जाता है उनके डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस पे। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार वैक्सीन की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है अलॉय कैनॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मीन्स, द इट इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, वाई। सवाल ये है कि अलॉय जो है वो फिजिकल मीन्स को यूज करते हुए हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग इसको एक मिक्सचर मानते हैं, क्यों? आप सभी जानते हैं अलॉय क्या होता है, जब हम लोग मेटल्स को मिक्स करके एक टफ सब्सटेंस बनाते हैं, एक मजबूत सब्सटेंस बनाते हैं तो वो अलॉय कहलाता है। होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स का और इसको इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं बांट सकते, लेकिन अलॉय जो है वो मिक्सचर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिन मेटल्स से मिलकर अलॉय बना हुआ होता है उनके वेरिएबल कॉम्पोजिशंस के प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। मतलब कि अगर कोई अलॉय है जिसमें आयरन मिक्स है तो आयरन की प्रॉपर्टी को वो शो करेगा, अगर कोई अलॉय है जिसमें कॉपर मिक्स है तो वो कॉपर की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, इसलिए हम लोग इसको मिक्सचर मानते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 216 ग्राम हैविंग वॉल्यूम ऑफ 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दिया गया है 216 ग्राम, वॉल्यूम दिया गया है 80 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल लेंगे हम लोग, 216 बाई 80, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने कैलकुलेट किया 2.7, डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं, क्वेश्चन में भी दिया गया है 1, तो इस तरीके से जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो आ जाएगी 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, आंसर क्या, रदरफोर्ड कंपेयर्ड हिज मॉडल ऑफ एन एटम विद आवर सोलर सिस्टम वेयर द न्यूक्लियस इज लाइक द सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक द प्लैनेट्स, दैट इज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कंपेयर किया था एटम को कि उसका जो मॉडल है वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह दिखता है, जिसमें सेंटर में जैसे सन है वैसे ही न्यूक्लियस है और आसपास जिस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज थैलस, व्हाई आर थैलोफाइट्स कॉल्ड नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट, थैलस क्या होता है और थैलोफाइट्स यानी कि उनको हम लोग नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट्स क्यों कहते हैं। थैलोफाइट इज अ सिंपल प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर विथ नो डिस्टिंक्ट रूट सिस्टम स्टीम एंड लीव्स, सच सिंपल बॉडी इज कॉल्ड थैलस। एक सिंपल सा प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी डिस्टिंक्ट रूट सिस्टम नहीं दिखता है, स्टीम नहीं दिखता है, लीव नहीं दिखता है। थैलोफाइट्स यूनिसेलुलर गैमेट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम लोग नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट्स कहते हैं। फिर से बता दूं, थैलोफाइट्स जो होते हैं वो उनके यूनिसेलुलर गैमेट्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो नहीं बनाता, इनका जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए हम लोग इनको नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, सवाल यह है कि आखिर उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया था। जवाब बहुत ही आसान है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि वो एक बहुत ही पतला लेयर चाहते थे और गोल्ड जो होता है वो हाईली मेलिएबल होता है, तो मेलिएबल होने के कारण उसका पतला लेयर बनाना आसान हुआ, इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज किया था। Why do fish go in deep waters during daylight? दिन के उजाले के समय मछलियाँ जो हैं वो नीचे पानी के निचले हिस्से में क्यों चली जाती हैं? तो दिन के समय में जो शैलो वाटर होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है पानी का, वो गर्म हो जाता है और जैसे ही वो गर्म होता है वहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा हो जाती है कम, इसलिए मछलियाँ नीचे वाले पानी के निचले हिस्से में चली जाती है जहां उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई मिल पाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमें दो प्रॉपर्टीज बतानी है सब्सटेंसेज की, उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए, नेम टू सब प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस टू चेक इट्स प्योरिटी। आंसर देखते हैं, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस होगा तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा। द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी टेस्टेड बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। प्योरिटी हम लोग उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट करके चेक कर सकते हैं। अगर सब्सटेंस इम्प्योर हुआ यानी अगर उसमें अदर सब्सटेंसेज के ट्रेसेस पाए गए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो चेंज कर जाएगी उस सब्सटेंस की, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है और वो जो हैं
अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू मेंटेन रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। मैमल्स और बर्ड्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, लेकिन बता दो आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन जो हमारे मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं इनके कंपेरिजन में थोड़ा कम पाया जाता है, और ये उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते अपनी बॉडी टेम्परेचर को अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से मेंटेन कर पाने के लिए, इसलिए हम लोग इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। एक और क्वेश्चन दिख रहा है नीचे, स्टेट द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आंसर क्या है, वी सी डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई अ क्लस्टर ऑफ सेल दैट इज नॉन एज टिश्यू at a definite place in the body. The tissues are arranged and designed in such a way that they give the highest possible efficiency of function. सवाल है टिश्यूज की यूटिलिटी बतानी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को करने में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मदद करते हैं किसी की भी बॉडी में, और ये इस तरीके से अरेंज्ड और डिजाइंड होते हैं कि ये अपनी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियोज के अगले पार्ट्स को देखना ना भूलिए ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपके पास एक अच्छा सा सेट तैयार रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिनको पढ़ने के बाद आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। लेकिन एक और बात, सिर्फ इन नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने बुक्स को भी गो थ्रू करें, उनको भी पढ़ें, वहाँ से अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन सेंड करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।